सो ये हैं भैया जिन्होंने हमें आज क्रोकोडाइल स्पॉटिंग कराई है। काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल था देखा आपने। हाय, माय नेम इज जेक, कॉल मी जेक द स्नेक। आई पुट द नेम जेक द स्नेक बिकॉज आई लाइक स्नेक्स। लॉट ऑफ स्नेक्स इन अराउंड वी हैव गॉट। वी हैव गॉट किंग कोबरा, कॉमन कोबरा, रसल वाइपर्स, पाइथन्स, बोआस, वाटर स्नेक्स, एंड आई लाइक स्नेक्स। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज मैं आ गया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग जगह जहाँ पर होने वाला थ्रिल और एडवेंचर और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। मैं कहाँ आया हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आई डी यहाँ आएगी, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सर, जैसा मैंने आपको बताया आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि आज मैं आ गया हूँ गोवा में एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमें मिलेंगे बहुत सारे क्रोकोडाइल्स और स्नैक्स, और हम लोग इन्हें स्पॉट करने चलेंगे मिलकर। सो ये जो सामने आप पूरी जगह देख रहे हैं ये है गोवा का बैक वाटर जिसको आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कम्प्लीटली। सो ये आप बोर्ड पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को कभी भी यहाँ आना है तो, ये मोबाइल नंबर्स हैं इनके। तो गाइज व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बाहर से ही अगर इतना अच्छा है तो अंदर जाके कैसा होगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये बोट्स के यहाँ पर होते हैं टाइमिंग सुबह 9 बजे, 12 बजे और 2 बजे। मेक श्योर कि जब भी आप यहाँ आएँ तो आप प्रॉपर टाइमिंग पे आएँ और कुछ टाइम पहले ही आएँ, क्योंकि यहाँ पर नंबर लगने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है अगर ज़्यादा टूरिस्ट हों। जैसे इस टाइम भी काफ़ी सारी कार्स यहाँ पर ऑलरेडी खड़ी, अंदर जाके बात हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन मैंने बाहर से आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बता दी हैं, क्योंकि इनकी जो बोट्स होती हैं, जो फेरीज़ होती हैं, इसकी साउंड बहुत ज़्यादा लाउड होती है और मेरी आवाज़ फिर आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को कम्प्लीट एक्सपीरियंस देने का इस जगह का, ताकि अगर कोई नहीं भी यहाँ पर आ पा रहा है तो वो पूरे मज़े पाए घर बैठे ही। सो ये जो एरिया है यहीं से हमें जाना है अभी, लेकिन इन लोगों ने बताया कि यहाँ तक क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। सो ये जो सामने अभी आप बोट देख रहे हैं हमारी तरफ आती हुई, इसमें अब हम लोग जाएंगे, और जो हमसे पहले गए हुए हैं जिनका 12 बजे का टूर था वो लोग इसमें वापस आ रहे हैं। आगे जाकर बोट चेंज करनी पड़ेगी और फिर हमें ये बोट मिलेगी टूर के लिए। सो आप देख सकते हैं सामने बोट के अंदर टू व्हीलर्स भी हैं, कुछ लोग हमने टू व्हीलर्स भी लेकर गए हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये भाई साहब तो पानी में उतार देंगे जितनी जल्दी लेकर आ गए हैं टू व्हीलर आगे। तो अभी चलते हैं अंदर बोट में और दूसरी साइड चलते हैं इससे। ये पूरा इंजन है अंदर बोट का, मुझे पता तो नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड पर, टिकट्स परचेज करते हैं और चलते हैं अपने आज के एक्सप्लोरेशन पर। तो अभी सामने ये जो भाई दिख रहा है इसके पास जाना है, ये टिकट्स देगा, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ तो अभी से ही काफ़ी ज़्यादा डरावना लुक आ रहा है, एकदम डेंस फॉरेस्ट है, बीच में रोड है और दोनों साइड फॉरेस्ट है। तो ये है बोट जिसमें हमें जाना है, चलते हैं अंदर, थोड़ा रास्ता रिस्की है। तो ये है पूरी बोट, एम्प्टी रहने वाली है वैसे तो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोग आए नहीं है। ट्रिप ड्यूरेशन टाइम रहता है 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स क्रोकोडाइल और बर्ड्स जाके देख के वापस आने के लिए। क्रोकोडाइल नेचुरल हैबिटेट में है, कभी ऊपर दिखता है, कभी नीचे दिखता है, कभी बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, वो ऑल डिपेंड्स नेचुरल हैबिटेट, कभी एक दिखता है, कभी ज़्यादा भी देख सकता है। ठीक है, मेरा नाम जेक है, एंड वी आर गोइंग टू सी बर्ड्स, एवरी बर्ड वॉचिंग इज क्रोकोडाइल। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपनी राइड पर, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्रोकोडाइल हमें मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो ये सामने किंगफिशर बर्ड आप देख सकते हैं, ब्लू कलर की पॉलिथीन के साथ ब्लू कलर की बर्ड, काफ़ी जूम किया मैंने तब दिख रही है, ब्लू पॉलिथीन के ऊपर बिल्कुल देखिए आप, ब्लैक एंड ब्लू कलर में। सो ये है ईग्रेट बर्ड, वाइट कलर के आप देख पा रहे हैं सामने। ये है फिशरमैन, यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। वो फेटा बहुत बड़ा पेड़ में आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल बैठा है। ये इधर है, ये देखो
ये देखो मुंह उसने ओपन किया हुआ है अपना, पानी मूविंग हो रहा है, समथिंग ईटिंग खा रहा है भैया, वहाँ पर पानी हिल रहा है, पानी मतलब कुछ पकड़ा उसने, कुछ कबा कबा कर रहा है इसको देखो, एक यहाँ पर भी है देखो, ये इधर से चल के चला गया, देखो उसका फुट मार्क्स देखो आप लोग, कैन ट्रैक हिज फुट मार्क्स, यहाँ से ऊपर चढ़ा और इसके बाद यहाँ गया, और ये आप देख सकते हैं अभी जो उसका मुंह ओपन था बंद कर लिया है, कुछ कहा फुट मार्क्स इधर तेल के ऊपर गया हो, और भी फुट मार्क्स चले गए इधर, देख लिया अच्छे से ने दांत बहुत बढ़ाए थे, बहुत देखो 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 ना समथिंग इज हियर, दो इधर है क्रोकोडाइल पानी में, इज बैक देखो 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 देखो, ये आप देख सकते हैं इसकी बैक बॉटल के बिल्कुल पास में, देखो काफ़ी बड़ा है, अब पानी के अंदर गया, देखो एकदम पानी के अंदर गया, पूरी बॉडी दिख रही है इसकी, काफी जायंट है ये, तो छोटा भाई भी इधर ही है, तो आप लोग कभी भी गोवा अगर आते हैं तो एक द स्नेक ट्रिप पर ज़रूर आइए, यही वो जगह है जहाँ से मैं गया हूँ ये क्रोकोडाइल ट्रिप लेने, आप लोग यहाँ आ सकते हैं। सो गाइस आप लोगों ने देखा हमने कितना जाइगेंटिक क्रोकोडाइल स्पॉट किया है, और मैंने ट्राई किया कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा रॉ रखूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो आप लोगों को घर बैठे मिले। तो अभी बात मैं आपकी उनसे कराता हूँ जिन्होंने हमें ये क्रोकोडाइल स्पॉटिंग कराई है, जो पास्ट 20 ईयर्स से इसी फील्ड में हैं। सो ये हैं भैया जिन्होंने हमें आज क्रोकोडाइल स्पॉटिंग कराई है, काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल था देखा आपने। हाय माय नेम इज जेक, कॉल मी जेक द स्नेक, आई पुट द नेम जेक द स्नेक बिकॉज आई लाइक स्नेक्स, एंड दिस इज एन आइलैंड कॉल्ड सेंट स्टीवन आइलैंड, वेयर नियरली मोर देन 10,000 पीपल लिविंग हियर, a lot of snakes in around we have got king cobra, common cobra, russell vipers, pythons, boas, water snakes, and I like snakes, so my hobby to see them in the natural habitat, yeah, leave them back in the nature, and this crocodile which we can see in this canal, the name of this canal called Kumar Zua, between the two rivers of Goa, river Mandovi, river Zuari, these crocodiles called marsh crocodiles, also called mugger, Indian mugger, where they live in the natural habitat called salt water crocodiles. I'm doing this now crocodile trip and bird watching since from last 20 years now. So आप लोग कभी भी अगर यहाँ पर आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कहाँ से आपको बुक कराना है और कैसे आपको बुक कराना है, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली बुक करा सकते हैं और यहाँ पर आ सकते हैं। सो गाइस देखा आप लोगों ने कितना हमने जाइगेंटिक क्रोकोडाइल स्पॉट किया है, दो क्रोकोडाइल्स थे, एक पानी के अंदर था एक पानी के ऊपर था, मैंने ट्राई किया आपको बर्ड्स भी दिखाऊँ क्रोकोडाइल भी दिखाऊँ, तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो? तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया समझ आया तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।